गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अनीता जी। गुड मॉर्निंग सीमा मैम। बस सुबह सबके प्यारे प्यारे चेहरे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग शांति जी। गुड मॉर्निंग सीमा जी। सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे कल की जादुई घटना से कि क्या आपकी लाइफ में एकदम मैजिकल हुआ, आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी शेयर करना चाहे क्या मैजिकल हुआ आपकी लाइफ में। हेलो, सभी को नमस्कार। ज्यादा ही बुक पढ़ते थे लेकिन तिलक सर की टीचिंग से बहुत फायदा हुआ और पिछले महीने मेरा बिजनेस काफी अच्छा चला और अभी भी रेगुलर कोई ना कोई ऑर्डर आता जा रहा है। ये बहुत फर्क, हम पॉजिटिव सोचते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमको और ज्यादा मिलता है। तो और अभी जो सेक्रेटर मिलने में उससे भी काफी फायदा, हमको सीखने को काफी मिल रहा है कि हम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। इससे बहुत आगे सबको फायदा हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, सही शेयर किया शांति दीदी ने कि हमें सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ना ही केवल बिजनेस में, लाइफ में भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। जब हम किसी भी चीज के बारे में हमारी सोच जो है वो ऐसी हो गई कि हमारा ध्यान हमारी कमी के ऊपर नहीं बल्कि जो प्रचुरता से हमारे साथ है उसके ऊपर जाता है तो और अबंडेंस आती है और वो चीज बढ़ते चली जाती है। तो बहुत शानदार बताया दीदी ने और डेफिनेटली तिलक सर के सेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और वो हर एक चीज में लगता है कि हाँ बिल्कुल यही वो जादुई घटना है जो एकदम जो हमारी ग्रेटिट्यूड से हो गई है ना। तो हर एक चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत से पड़ गई है। तो थैंक यू सो मच। और भी कोई शेयर करना चाहेगा कल का अपना एक्सपीरियंस बिजनेस को लेके, अपनी लाइफ में भी अगर कुछ उन्होंने ये फील किया कि ये रियल में मेरे साथ एक तो मैजिकल कुछ हुआ, मैजिक हुआ। मैं शेयर करना चाहूंगी सीमा जी। दिस अलका मलिक फ्रॉम गुड़गांव। मतलब सच में अब बुक्स को पढ़ के लग रहा है, पहले लगता था हम बहुत समझदार हैं, बहुत अकल है हमें, बहुत अच्छे से हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बुक्स एंड ऑल सब कुछ माइनस था। ये जो साइंस के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल माइनस था, कोई दूर दूर तक इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। पर अब लग रहा है कि थैंक यू गॉड कि हमें एमवे समझ आया। जैसे ये टैगलाइन है ना, अब वो मेरे दिमाग में आ गई है कि थैंक यू गॉड समझ में आया एमवे। पैसे कमाने के अलावा हम यहाँ और इतनी इतनी चीजें सीख रहे हैं। ये पैसा तो मैं अदरवाइज भी एज अ बेकर भी कमा रही थी, पर तब हमारे दिलो दिमाग में ये सब लोक व्यवहार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ क्या होती है, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, दूर दूर तक ये वोकैबुलरी भी नहीं थी। बट अब इन बुक्स वजह से और इस एसोसिएशन की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। फ्यू ऑल अपलाइन मेंटर्स जो ये सब सेशन अरेंज कराते हैं ताकि हम जैसे लोगों को भी जो बिल्कुल ही लो लेवल में थे हमें भी अकल आ गई है। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली ये हमने सबने जो है वो बुक पढ़ रहे हैं, अभी जो सेशन हम ले रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर किया और कल का एक्सपीरियंस कोई भी और शेयर करना चाहे तो हम ले सकते हैं, एक या दो एक्सपीरियंस और लेना चाहेंगे हम और फिर हम आगे मूव करेंगे। नमस्कार। वेलकम भैया। नमस्ते जी। थैंक्स टू पीयूष दीदी और तिलक सर, बुक्स के लिए तो मतलब उनका जैसे किया जाए ना कोटि कोटि धन्यवाद। ये बुक मैंने पहले पढ़ी हुई थी लेकिन अभी मैंने आज से रीस्टार्ट की है, सुनाना पढ़ रही थी। तो जादुई सेशन की बात करूंगा क्योंकि उस जादू सेशन को मैंने पूरा अटेंड किया था। तो उससे क्या है कि जो अपने दिन भर में सोचते हैं, दिन भर में
कल मैंने आपसे, मेरे पास क्या है कि मैंने किसी से प्रोडक्ट लेने थे तो उसने मेरे को कहा सर आपको एप्सा दूंगा आधा लीटर, तो 15 बोतल मेरे पास आधा लीटर एप्सा थी, तो मैंने कभी आधा लीटर एप्सा किसी को प्रमोट नहीं की, तो मेरे को ये बड़ा लगा था। कल पूजा करते मेरे को लगा कि ये एप्सा कब निकलेगी, और इस मिरेकल शाम को ही दो आदमी आए कि सर हमारे को तो आधा लीटर ही एप्सा चाहिए, जबकि मैं उसको एक लीटर ही दे रहा था कि आपको ये सस्ती पड़ेगी, उसने कहा नहीं सर मेरे को तो आप आधा लीटर एप्सा दे दो। और एक लेडीज के बारे में सोच रहा था कि इसको प्रोडक्ट की बात करनी है, उसका दोपहर बाद ही क्वेरी आई कि सर इस प्रोडक्ट के मेरे को रेट बताएं, हालांकि वो कस्टमर है, उसने किसी और को प्रमोट किया। तो जादुई सेशन का और इस बुक का बहुत अच्छा असर हो रहा है, और यही है सबको यही प्रमोट करेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे, मेरे को तो किसी ने मैसेज भेजा है 50 रीजन वाई बुक रीडिंग इज कंपल्सरी, तो वो भी कभी मीटिंग में शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच मोहन भैया, बहुत अच्छे से आपने बताया। और बिल्कुल ये मैजिकली घटना होती है कि हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट कब निकलेगा, और सामने हमें ऐसा कस्टमर मिल जाता है जिसमें कि जिसको वही प्रोडक्ट चाहिए होता है, और कस्टमर आफ्टर कस्टमर जो है ना, कस्टमर से बहुत सारे कस्टमर जो है वो मिलता नहीं, मतलब मिलते रहता है कस्टमर जो है वो। आप देखिए कि ग्लिस्टर जो यूज करते हैं ना, एकदम से ऑर्डर आता है 6 ग्लिस्टर भेज देना, 6 ग्लिस्टर वो खुद के लिए नहीं, वो उसके भी कस्टमर होते हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये सारी मैजिकल चीजें हैं जो हमारे साथ हो रही है। थैंक यू सो मच, और अब हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक किसी को कुछ और शेयर करना है एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इमेजिन कीजिए आप फाउंडर ईडीसी हैं, सुमित जी के स्थान पे अपने आप को रख के इमेजिन कीजिए, और मैसेज जो उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में दिया है ना, रिजेक्शन और फेलियर के बारे में जो मैसेज उन्होंने दिया है वो आप अपने टीम को कैसे देना चाहेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो इसके बारे में कौन बताना चाहेगा। हेलो सीमा, मैं बता दूं? शांति, हाँ जी वेलकम दीदी, या कोई और बताए तो देख लो। डेफिनेटली मुझे दीदी की ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि दीदी हमेशा तैयार रहती हैं, एकदम बिल्कुल तैयार रहती हैं, और ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई और भी शेयर करना चाहे तो, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं ना तो वो थोड़ी सी और ज्यादा हमारे अंदर तक जाती है, और हम खुद भी उस चीज को अप्लाई कर पाते हैं और हमारी टीम भी उस चीज को अप्लाई कर पाती है। बिल्कुल दी, आप सही कह रहे हो, शांति दीदी से अपन बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए पर शांति दीदी है ना, मतलब आए बगैर नहीं रहती और कुछ शेयर करे बगैर नहीं रहती, वास्तव में शांति दीदी से ही सुनना चाहेंगे आज। थैंक यू, वेलकम वेलकम। तो हम अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ब्रांड न्यू ईडीसी शांति दी का, वो अपनी टीम को मैसेज देंगे। वेलकम दीदी। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू सबका इतना वेलकम देने के लिए। मैं इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम रिजेक्शन वगैरह से डरते हैं, या भाई हम लोग इसलिए लोगों के पास नहीं बात करते हैं कि भाई हमको मना कर देंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये फियर है हमारे अंदर, हम जब तक इस फियर को नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे कोई काम नहीं कर सकते। आज हम सोचेंगे नहीं खाना बनाएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो हम रोटी नहीं सेक पाएंगे, तो ऐसा तो नहीं करते हम लोग, करते हैं। हमारी मम्मी और भी शुरू में कहती है नहीं ये काम करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। उसी तरह से हमको बिजनेस के बारे में भी, प्रोडक्ट के बारे में, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो। या कई बार हम लोग नहीं हिचक में बताते नहीं हम भाई मना कर देगा, या हम किसी को बिजनेस के बारे में बात नहीं करते हैं तो नहीं ये मना कर देगा, तो हम रिजेक्शन से डर जाते हैं। ये डर हमारे अंदर बहुत अंदर से शुरू से समाया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने आसपास का वातावरण ऐसा देखा हुआ होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमें मना कर देगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे मन में ये बताएंगे हाँ इसने मेरे को ऐसे कैसे मना कर दिया, एक ईगो भी आ जाता है उस टाइम। तो हमको यही दूर हमने दूर करनी है बिजनेस के लिए भी, हर जगह के लिए, कि जितना हम लोग लोगों से बात करेंगे और जितना हम रिजेक्ट होंगे उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़े, मतलब उस रिजेक्शन को लेकर हम सोचे नहीं हम चार लोगों से और बात करेंगे, कोई बात नहीं एक ने रिजेक्ट कर दिया। कई बार उनकी नाम में भी हाँ होती है, क्या उनकी परिस्थितियां उस टाइम ऐसी होती है कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, या वो नहीं करना चाहते हैं कुछ ऐसा, या प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, तो हम लोग ऐसे समझते अरे इसने तो लिया नहीं। ऐसा नहीं समझना, हमको अपने आप को मतलब मजबूत करके उनसे दोबारा भी बात करनी, और अपने रिलेशन नहीं खराब करने की भाई मना कैसे कर दे, ऐसे रिलेशन अड़ोसी से या फिर रिश्तेदारों से अपने रिलेशन नहीं खराब करना है, हमको आगे बढ़ते जाना है।
और जितना रिजेक्शन होंगे इतना हम लोगों को और ज्यादा ताकत से आगे का बढ़ते जाना कि हम ये करके ही दिखाएंगे। घर परिवार में भी तो हमको कई बार मना करते हैं हर चीज के लिए, फिर भी हम करते हैं ना, तो उसी तरह से हमको बिजनेस में भी मान लो किसी ने ना किया है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करके आगे बढ़ते जाओ। और जैसे कि हम लोग भी तो कई बार बैंक वगैरह कॉल्स आते हैं लोन वगैरह के लिए, हम मना कर रिजेक्ट करते हैं ना, फिर वो छोड़ते हैं क्या अपना, तो हम अपने कर्म करते जाना है, कोई ले प्रोडक्ट, कोई जुड़े हमसे नहीं जुड़े, हम अपना कर्म करते जाएंगे। और जितना हम प्रोडक्ट यूज करके और बात करते हैं लोगों से तो विश्वास भी आता है हमको अपने पर, फिर तो था लोगों पे भी होता, लोगों को भी हम पे होता है। तो इस रिजेक्शन को फियर को सबसे पहले अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, जब हम रिजेक्शन के फियर को निकालेंगे तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। आज अगर हम सोचे कि नहीं मैं ये काम करूंगी तो मेरा ऐसा नहीं हो जाएगा वैसे, तो हमको सबसे पहले अपने फियर पे ही मतलब विजय पानी, मतलब कॉन्फिडेंस से विजय पानी है कि हमको डरना नहीं है और बाहर किसी से बात करनी है। क्या हो गया, ना ही तो करेगा, इसमें क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या ले ले। और अगर उसने हाँ कर दिया, 5 कॉल में से भी आपका 1 कॉल रही सही हो गया, उसने हाँ कर दिया, तो हमारा तो बिजनेस बन गया ना आगे, जैसे प्रोडक्ट लिया या हमसे ज्वाइन हो गया तो हमारी तो टीम बन गई ना। तो यही सोच के हमको बिजनेस भी करना चाहिए और रिजेक्शन से हमें डरना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी। थैंक यू फॉर माय साइड। ग्रेट ग्रेट ऑसम शांति दी। तो रिजेक्शन से डरना ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम बहुत सारे लोगों को मना कर रहे हैं तो लोगों ने अगर हमें मना कर दिया तो हम क्यों दिमाग में जो है वो एमवे के लिए एक सवाल उठा देते हैं कि मना कर रहे हैं लोग। मना करना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। 4 चीजें, आप अगर 10 ड्रेस में से 1 ड्रेस पसंद करके आते हो तो 9 को आप मना कर रहे हो, तो और वो 9 ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्टेड ही होती है सबके थ्रू, किसी ना किसी के तो वो यूज आ रही होती है ना, किसी ना किसी को वो पसंद आ रही होती है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा शानदार तरीके से बताया दीदी ने। हम एक और स्पीकर को ले सकते हैं जो आज ये फील करना चाहता है कि ये इतनी बड़ी टीम उसकी टीम है और वो फाउंडर EDC है और वो अपनी टीम को मैसेज दे रहे हैं रिजेक्शन के बारे में, फेलियर और रिजेक्शन के बारे में जो मैसेज देना चाहते हैं। कोई भी जो आगे आना चाहे हम एक और स्पीकर से सुन सकते हैं। यस, मैं सुनैना दिस साइड। वेलकम सुनैना दीदी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी शांति जी ने बताया कि अपने को जो रिजेक्शन मिल रहे हैं उसके ऊपर अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ना सारी चीज उन्होंने बता दी है, बट अपने माइंड में क्या रहता है कि हमें किसी ने मना क्यों कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, या अपने को ये नहीं पता होता कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहा है अपने को, या अपने प्लान अपन प्लान कर रहे हैं या अपने बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं दे पाते, या कई बार ऐसा होता है कि उसका शायद माइंड सेट उस टाइम पे ऐसा नहीं है, या वो अपने किसी घर के काम में या अपने किसी चीज में उलझा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि उसका टाइम अभी सही नहीं है, और जब उसका टाइम सही आएगा तो वो उस चीज को लेगा भी सही और सुनेगा भी सही। तो इस चीज अपने देखे तो अपने को उस बंदे के साथ में रिलेशन नहीं खराब करना है, रिलेशन अपना मेंटेन रखना है। वो आज नहीं ले रहा लेकिन वो रेगुलर लेगा सामान। और ये बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं कि हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग सामने वाले को टच करते हैं तो वो नहीं लेते हैं, बट वो 6 महीने बाद उनको कोई और दूसरा बताएगा तो वो अपने से सामान अपने को ढूंढते हुए आते हैं कि हाँ आप लोगों ने मेरे को एक बार ये चीज कही थी ना। तो अपने को किसी भी रिजेक्शन को हावी नहीं करना है अपने ऊपर। जैसे अभी बताया कि अपने कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आते हैं या मार्केट में अपने जा रहे हैं तो कितनी सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं, बस हम तो अपने एक ही चीज करते हैं ना। तो बहुत ही धैर्य के साथ इस बिजनेस को करना है और साथ में अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले अपने आप को उस चीज का जो चीज आप प्रमोट कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेना है। अगर अपने पास एक्सपीरियंस होगा और उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी तो अपने उसको ढंग से बताएंगे तो वो जरूर लेगा। तो रिजेक्शन तो इस बिजनेस का एक पार्ट है और इसको एंजॉय करना है ना कि अपने ऊपर हावी करना है। थैंक यू। ग्रेट ऑसम सुनैना भाभी जी, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से। और लक्ष्मी सीमा, एक और चीज जो वहां पर हमने सुना था वो ये भी था कि हो सकता उस टाइम पर उसका पॉकेट साइज वो चीज अलाउ नहीं कर रहा हो, बजट उसका बड़ा हो, तो वी कैन ऑलवेज सी कि उसके बजट के अकॉर्डिंग हम दे उसको। तो हो सकता है कि वो इस वजह से मना कर रहा है क्योंकि उस टाइम पर उसके पास उतने पैसे नहीं है वो लेने के। डेफिनेटली तो बहुत सारे रीजन हो सकता है उस टाइम पे मना करने के, है ना।
हो सकता है वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा हो, उसने आपकी आपकी बात नहीं सुनी हो, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फ्री नहीं था, है ना। तो कभी भी इस चीज को बिल्कुल हावी नहीं होने देना और बिल्कुल पूरे फेथ के साथ और हर एक रिजेक्शन पे सोचना है। 5 रुपए जो है वो मिल रहे हैं आपको हर एक रिजेक्शन के, तो हंसी खुशी जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बात करती रहनी है। तो बहुत शानदार तरीके से हमने ये पॉडकास्ट डिस्कस किया, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम कल डिस्कस करेंगे। और बुक डेफिनेटली जैसे सर ने कहा था, आप आगे की फाइल्स पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और जिनकी पीछे रह गई है तो डेफिनेटली रिवाइज रिवीजन के लिए भी हमें ये सुनहरा अवसर जो है वो मिल गया है, तो रिवीजन कर सकते हैं। तो लास्ट एक दो लाइन में अगर कोई भी शेयर करना चाहे बुक के बारे में तो शेयर कर सकते हैं। कोई भी शेयर करना चाहे बुक के बारे में, जिसने भी रिवाइज की हो या फिर बुक पढ़ी किसने किसने, हमने बीच में बुक पढ़ना छोड़ तो नहीं दिया कि आज बात नहीं होगी तो आज नहीं पढ़ेंगे। 9 core step में हमारा जो एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग हम नहीं छोड़ सकते, है ना। आगे फाइल डिस्कस नहीं होंगी लेकिन हम रिवीजन कर सकते हैं, आगे अपनी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि जब आप एक बार पढ़ लोगे और फिर दोबारा पढ़ोगे उन फाइल्स को, तो उसमें उसके अनुसार जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैं हैंड रेज देखना चाहती हूँ कि बुक किसने किसने पढ़ी है। अरुणा दीदी ने बुक पढ़ी है, मुझे एक हैंड रेज दिखाई दिया है। विवेक भैया ने, अमिता भाभी ने बुक पढ़ी है डेफिनेटली। इस साइड पे हम लोग हैं। अच्छा, सुनैना बोल रही हूँ ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सुनैना भाभी जी ने बुक पढ़ी है, शांति जी ने, शिवांगी जी ने, गुरप्रीत जी ने बुक पढ़ी है, तो अभी हम विश्वास भैया ने बुक पढ़ी है। तो अभी मतलब जो है वो हम कहीं ना कहीं 9 core step में पूरे स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है ना। तो बुक पढ़ना जरूरी है। तो कोई भी आप लोगों में से कोई भी 2-3 मिनट में शेयर करना चाहे बुक से लर्निंग। कोई भी शेयर करना चाहेगा को? हाँ जी, वेलकम शिवांगी। मैं शिवांगी, मैंने बुक एक्चुअली में मेरी थोड़ी लेट आई थी, इसलिए मैं इसको रीस्टार्ट करके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं वो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं वो अब स्टार्ट किए। तो इसमें मेनली अपने दिमाग की सोच बदलने पर जोर दिया गया है। जैसे हम लोग सोचते हैं हमें तो सब कुछ पता है, वैसे ही राइटर को जब उनके फादर के दोस्त मिले तो उनको ऐसे लगा कि भाई मैं 2-3 बार से इनको मिल रहा हूँ और ये मुझे बिल्कुल सिंपथी की तरह देख रहे हैं। जैसे कि हम कोई गुजर जाता है तब किसी से मिलते हैं तो आंखों में वो सहानुभूति उनको दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको यही लगता था कि जो भी उनको देखता है वो उनको बेचारे पने से देखता है। शिवांगी जी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है कि मैं भी वीडियो आपके प्रति था, मैं भी एक बार असफल हुआ लेकिन बाद में मैंने इस पे काम किया और मैं जो लोग सफल हो चुके हैं उनको आई थिंक शिवांगी जी का ड्रॉप हो गया, थोड़ा नेटवर्क इशू था। शिवांगी जी आपका फ्रीज हो गया है। ओके, आई थिंक उनका थोड़ा नेटवर्क। हां जी, आवाज आ रही है। हां जी, अभी आ रही है। हां जी, तो मैं यही बता रही थी कि उन्होंने जब अपने फादर के दोस्त से बात करी और उन्होंने एक सोचने के लिए उनको दिशा दी कि वे भी बिल्कुल राइटर की तरह ही सोचा करते थे, तो उन्होंने कहा आप जो अमीर लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को देखो, उनके तरीके को देखो कि वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये बात राइटर के लिए बिल्कुल नई थी क्योंकि वे तो सोचते थे हमें सारी चीज का पता है, लेकिन जब उन्होंने इस पर काम किया, जैसा कि उनका पैशन था कि वो फिटनेस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो उन्होंने अपना एक फिटनेस सेंटर शुरू किया और वो 2.5 साल के अंदर ही उन्होंने ऐसे 10 स्टोर और खोल लिए और साथ ही उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो एक बड़ी कंपनी को सेल किए जिससे उनको
16 लाख रुपए के इनकम हुई। इस तरह से बिल्कुल उनकी सोच परिवर्तित होगी, तो यहाँ तक ही मैं पढ़ पाई थी और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसको दोबारा रीस्टार्ट करने में। थैंक यू सीमा मैम। थैंक यू सो मच शिवांगी जी। और डेफिनेटली मुझे लगता है मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं और काफी लोगों के पास बुक थोड़ा लेट पहुंची होगी, तो ये एक सुनहरा अवसर है कि वापस रीस्टार्ट करके वहां तक हम पहुंच जाए 4-5 दिनों में, जहां तक तिलक सर ने अभी तक हमें समझाया है चीजें, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग फिर आगे बन पाएगी। तो थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए। अब हम लास्ट अपने पड़ाव पे आते हैं मीटिंग के, जिसमें हम बात करते हैं फोकस शेयरिंग की। आज के दिन में क्या खास होने वाला है, क्या आपका फोकस रहने वाला है, क्या आपने अपनी प्लानिंग की है, तो भी शेयर करना चाहे प्लीज वेलकम। हाँ, मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं अरुणा बीकानेर से, सभी को नमस्कार। आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, वेलकम, आवाज आ रही है। आज का फोकस है, कल जिनको भी मैंने प्लान के लिए कांटेक्ट किया था उनसे जो भी शामिल हो पाए उनसे फॉलो अप लेना है, और प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो अप लेना है, नए कॉल्स करने हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ऑफर्स बताने हैं, और साथ साथ में कोई भी एक आज जो ट्रेनिंग होने वाली है जो मेरे सुटेबल टाइम में होगी वो मैं जरूर अटेंड करूंगी, ताकि मेरी खुद की प्रोडक्ट नॉलेज बढ़े और उसकी वजह से मेरा बिजनेस बढ़े। और 9 core steps का पूरा पालन कर ही रहे हैं, और जो नई अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट्स के ऑफर्स के थ्रू आई है उसका उसको पूरी तरह से एनकैश करने के लिए आज एफर्ट्स डालने हैं। ग्रेट, ऑसम दीदी, और भी कोई शेयर करना चाहेगा आज का अपना फोकस? मैं कर रही हूँ आज, जैसे हमारा रोज का ये फोकस रहता है कि हमारी टीम में जो लोग बिल्कुल भी परचेज नहीं डाल रहे हैं उनको अपना जो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, सोपीवी वाला 1000 रुपए का या 2000 का जो ऑफर मिलता है, हमारी ये लिस्ट रहती है जिसमें हम लोगों को ये कॉल करना होता है कि हम आज इतने जनों को कॉल करेंगे, तो वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा फोकस कि अपन कितने जनों से कितने कितने पीवी अपने को निकालने हैं ताकि वो लोग ऑफर का फायदा ले सकें, रिन्यूअल का अपना रिन्यूअल हो जाए और वो सस्टेन रहे। इसके बाद में 4 बजे एक आर्टिस्ट्री की ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो रूटीन में प्रोडक्ट प्रमोट करना है या ये तो है ही, तो ज्यादा फोकस जो हमारा अभी ये रह रहा है कि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उनको अपने इसी मंथ में अपन उनको अपने टारगेट कंप्लीट करवा पाए। ग्रेट, हम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पे कॉल कर सकते हैं, कल एसटीपी में जो आए उन लोगों का फॉलो अप कर सकते हैं, कल थर्सडे है तो लेडीज प्लान एसटीपी प्लान होगा तो वहां पे हम कॉलिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। आज 3 बजे एक सीजन चेंजिंग को लेके नॉर्थ मार्केटिंग टीम की तरफ से एक सेशन है, वो आप प्रमोट कर सकते हैं अपने कस्टमर को। 4 बजे जो 3 दिन से हो रहा है एक सेलिंग के लिए सेशन, कल न्यूट्रलाइट पे परसों क्वीन पे था, तो वो आज 4 बजे सेशन है, उसके लिए आप अपने आप को फ्री रख सकते हैं और अपने कस्टमर को भी प्रमोट कर सकते हैं। और बाकी जो है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज अपने अपलाइंस की मेंटर्स की वाइब्रेशन कैच करने के लिए, क्योंकि हमारे मेंटर्स सभी लोग जो हैं फाउंडर प्लैटिनम्स एम्बरर्स और डायमंड्स जो हैं वो आज कल की उनकी फ्लाइट है, तो आज वो अवेलेबल है, हम चाहेंगे जैसे भी उनसे मिलना हो पाए तो हम जरूर से मिलेंगे, उनसे वाइब्रेशन कैच करेंगे, क्योंकि उनका जो आज है वो हमारा फ्यूचर है, तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आती है। बाकी कोई भी कुछ और शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है, फिर हम प्रेयर की तरफ मूव करेंगे। तो किसी के पास और कुछ है नहीं अभी शेयर करने के लिए, प्रेयर कौन करवाना चाहेगा? ये अपॉर्चुनिटी सुबह सुबह प्रेयर करवाने की अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाह रहा? मैं करवा दूं? नहीं सीमा, आज आप करवा दो। अच्छा ठीक है। शांति दीदी एवर रेडी, वो हमेशा तैयार रहती हैं। मुझे करवा देती हूँ, सुनैना
अरे वाह, सुने ना भाभी जी तैयार है। मुझे लगता है जो लोग प्रेयर करवाते हैं ना वो बहुत ज्यादा मतलब डीपली उस चीज को फील करते हैं, बजाय जो सिर्फ करते हैं ना। तो हमेशा जो है वो मैंने देखा है, सुने ना भाभी जी तैयार रहते हैं, शांति जी तैयार रहते हैं, लेकिन बाकी हम सब लोग जो है वो सोचते हैं कि करनी है नहीं करनी, या कोई और ही करवा दे तो अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि हम लोग प्रेयर रोज करते हैं, तो ये मेरा एक काम जिसे मैंने मान रखा है कि ये मेरा एक काम है जो मुझे रोज करना है, तो अगर मैं प्रेयर करवाती हूँ तो ये मेरा काम अभी एक खत्म हो जाता है, तो अब मुझे ये प्रेयर दोबारा करनी है तो वो रात को सोचनी है ना। लेकिन मैंने ये चीज फील की है, जब आप करवाते हो ना तो आप ज्यादा डीपली उस चीज में इन्वॉल्व होते हो, है ना। ठीक है जी, वेलकम भाभी, आप करवाइए। सभी सभी लोग अपना आंखें बंद करेंगे और अपने इष्ट को, जिस भी देवता को मानते हैं आप लोग, उसका नाम लेंगे, ध्यान करेंगे और मैं जो बोल रही हूँ उसे आप मन मन में बोलेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है और मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, मेरे महामस्तिष्क की को क्षमताओं का भंडार है और मेरे हर प्रश्न का वो जवाब देता है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से हम अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच नैना भाभी जी, बहुत शानदार आपने प्रेयर करवाई, बहुत अच्छा लगा। और कल फिर हम मिलेंगे बुक रीडिंग के साथ, पॉडकास्ट के साथ, रिजेक्शन के बाद। मेरे को अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है नाम कौन सा पॉडकास्ट है, लेकिन मैं मैसेज डाल दूंगी। और मैसेज डाल देना सीमा, और इसका भी अगर हम रिवाइज ही कर रहे हैं तो फिर हम आप चैप्टर ही दे दो तो वो एक और बार अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे तो पढ़ ही रहे हैं बट फोकस हो जाएगा ना उसके ऊपर। आई थिंक हाँ, पेज नंबर कुछ डिफाइन कर देते हैं, पेजेस कहाँ से कहाँ तक है, या फिर चैप्टर है तो चैप्टर डिफाइन कर, चैप्टर या फाइल्स बता दीजिए तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और किसी को भी कुछ और शेयर करना है तो अदरवाइज मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, सबके कैमरा ऑन हो जाएंगे तो एक प्यारी सी ऑल डायमंड्स की एक फ्रेम में फोटो लेंगे। अपन इसमें बुक में धन का आपका ब्लू प्रिंट से शुरू कर सकते हैं चैप्टर को, फर्स्ट जो है। हाँ हाँ
ठीक है, तो धन का ब्लूप्रिंट जो है वो सब लोग पढ़ के आएंगे। यस चैप्टर वन ना, नहीं इसमें अभी फाइल तो शुरू नहीं, लेकिन इसका जो चैप्टर वन ही वन एक और है, इससे आगे कोई पेज है तो अपन उसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर और एक बार ग्रुप पे मैसेज में अपने को उस फाइल तक पहुंचना है, तो अपने को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि उन लोगों के आने से पहले ये 10 फाइल वापस अपनी रिवीजन हो जाए। 10 फाइल है पहले, उससे पहले तो लेसन है ना अपने पास। पेज नंबर 19 बता रही है दीदी, तो 19 से अपन स्टार्ट कर। एक बार अपन पढ़ चुके हैं तो इसको बहुत इजी तरीके से इसको दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में भी आएगा अपने। ठीक है, स्टिल वेटिंग। अगर किसी के कैमरा ऑन हो रहे हैं तो मैं फर्स्ट अभी स्क्रीन पे हूँ। रेडी, आप बिल्कुल जो है वो अपने कैमरा को ऑन रखिए, थाम के रखिए। मैं सेकंड स्क्रीन ऑन ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सीमा मैम एक चीज पूछना था। हाँ जी मैम, एक्चुअली कल भी बात हो रही थी कि जो 4 बजे वाला जो ट्रेनिंग है वो क्या मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि ये क्या मतलब उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 4 बजे वाला जो 3 दिन से जो हो रहा है ट्रेनिंग। 4 बजे वाला सेशन रिकॉर्ड करना आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जानती कि कैसे वो कर सकते हैं। आई थिंक विश्वास भैया थोड़ा बेटर आंसर करता है। थैंक यू। 4 बजे वाला सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और भेज देंगे आपको। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन। गो डायमंड। गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड। गो डायमंड।